हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा पेपर वन का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। इस वक्त हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, जहां पे आज हम लोग एक और अपडेटेड टॉपिक को करने वाले हैं। उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि वो क्या है। उससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि आप सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन साथ लेकर बैठें, ताकि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊं वो नोट्स आप नोट कर सके, अपना नोट्स आप बना सके, जो एग्जाम में आपको काम आएगा। दोस्तों, ये नोट्स बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में, साथ ही साथ आपका पैसा भी बचाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नोट्स बेच रहे हैं पैसा ले लेके। तो अगर यदि आप यहां से नोट्स बना लेते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ एग्जाम में बहुत ज्यादा अधिक हेल्प भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। आज का 5वां लेक्चर है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्वयं प्रभा के बारे में, जो बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक है। इससे पहले स्वयं के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं हम लोग लेक्चर 4 में। अगर यदि आप अभी तक स्वयं का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों अलग अलग चीज है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, जरूर उसको देखें आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर 5 है, डीके गुरु ट्यूटोरियल द्वारा दिया जा रहा है ये लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में। हर रोज शाम को एक लेक्चर यहाँ पे मिलता है। चलिए बात करते हैं स्वयं प्रभा है क्या। बात अगर यदि स्वयं प्रभा का करें तो स्वयं प्रभा 32 या फिर कहें 32 DTH चैनल का एक समूह है, या फिर कहें ग्रुप है। हम लोग ये कह सकते हैं इसको कि ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स, जो बिल्कुल फ्री में DTH पे दिन भर प्रोग्राम देते रहता है। आगे यदि बात करें तो जो G15 सैटेलाइट का उपयोग करके 24x7 24 घंटा सातों दिन शैक्षणिक कार्यक्रम, एजुकेशनल कार्यक्रम वहां पे प्रकाशित किए जाते हैं। अगर यदि बात करें तो ये 32 चैनलों का एक सेट है जो फ्री डिश पे चलता रहता है सातों दिन 24 घंटा करके, जिसमें जो प्रोग्राम आते हैं उसमें उपयोग किया गया है G15 सैटेलाइट। आपको पता होगा कि जितने भी चैनल्स हमारे टेलीविजन पे चलते हैं सारे के सारे सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं, तो इसको G15 सैटेलाइट को यूज करके ये 32 चैनल चलाए जाते हैं। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के नजरिए से बात करें तो ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि कौन सा सैटेलाइट को यूज करके स्वयं प्रभा चलाया जाता है, तो आपको आंसर देना है G15 सैटेलाइट। 24 घंटा चलाया जाता है यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स या फिर कहें शैक्षणिक कार्यक्रम। बात अगर यदि करें तो हर रोज यहाँ पे 4 घंटा का नई सामग्री दिया जाता है, मतलब न्यू कंटेंट हर रोज 4 घंटा यहाँ पे दिया जाता है। वहीं अगर यदि की बात करें हम लोग इसके आगे की, ये जो न्यू कंटेंट जो 4 घंटा का दिया जाता है, इसे 5 बार दिन में दोहराया जाता है, 5 times in a day इसको दोहराया जाता है। क्यों दोहराया जाता है? ताकि स्टूडेंट्स को समय चुनने का अवसर मिले। कहने का मतलब यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि एक बार जब उसे लाइव किया गया था या फिर जब पहली बार चलाया गया उस समय गई थी वो नहीं देख पाए, तो वो बाद में ताकि देख सके, जो जब उसे समय मिले। 5 बार उसे चलाया जाता है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट पास 5 टाइम होता है, जब भी वो फ्री हो 5 टाइम में से कभी भी देख सकते हैं। 4 घंटा हर रोज नया कंटेंट वहां पे चलाना अनिवार्य होता है, मतलब नई टॉपिक पे हर रोज 4 घंटा चर्चा होता है और उसी टॉपिक को 5 बार रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है एक दिन में, ताकि स्टूडेंट को अवसर मिले कि वो इजिली चुन सके। दोस्तों, मैं इस सेंटेंस को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इजिली यहां पे लेक्चर के दौरान ही सब कुछ याद हो जाए, ये ना रहे कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रह जाए। बात अगर यदि हम लोग इसके आगे चलते हुए करें कि आखिरकार इसका जो सामग्री जो होता है या फिर कहें कंटेंट जो होता है, जो भी लेक्चर होते हैं वो प्रोवाइड कौन कराता है, तो प्रोवाइड कराने वाले NPTEL, अगर यदि इसका फुल फॉर्म का बात करें, ये सारे फुल फॉर्म आपको आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो अगर यदि आपको पता नहीं रहेगा तो हो सकता है आपका क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए
NPTEL नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग होता है, इसका फुल फॉर्म जरूर आप नोट करेंगे अपने नोट्स में। बात करें पहला, ये जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, सामग्री प्रोवाइड कराते हैं, या कहें वो वीडियो जो बनते हैं उसको प्रोवाइड कराने वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो पहला है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। दूसरा यदि बात करें तो IITs हैं, IITs आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UGC यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, UGC का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप लोग अवेयर होंगे। बात करें अगला यदि CEC कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन, यहाँ पे कंटेंट अपना प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन से चैनल पे कौन कौन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो हम लोग आगे लेक्चर में जानेंगे। आगे यदि बात करें तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी यहाँ पे अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। अगला जो है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी यहाँ पे अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आप अपने नोट्स में जरूर नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं कि ये क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ये हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का UG और PG स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्री प्रोवाइड कराएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ चैनल हैं वो उच्च शिक्षा या फिर कहें हायर एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, UG अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इस दोनों स्तर के जितने भी पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस पर आधारित जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी सिलेबस में थिंग्स होते हैं, सबका यहाँ पे सामग्री उपलब्ध कराया जाता है, कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का ये कंटेंट उपलब्ध कराता है। यूजी पीजी के लिए तो आर्ट्स के लिए कराता है, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आगे यदि बात करें हम लोग तो स्कूलिंग एजुकेशन के लिए भी कराते हैं, 9th से लेकर 12th को हम लोग स्कूलिंग एजुकेशन कहते हैं, उसके लिए भी ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं 9th से लेकर 12th क्लास के लिए भी। बात करें यदि इसके अलावे और क्या ये प्रोवाइड कराते हैं, कौन सा लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, 11th 12th के स्टूडेंट के लिए स्पेशल जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए भी ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों ये वो था कि तीन चीज ये प्रोवाइड कराते हैं, हायर एजुकेशन का पूरा कंप्लीट कोर्स ये प्रोवाइड कराते हैं, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट्स देखा, सारे चीज जितने भी मैं लिखा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, स्कूलिंग एजुकेशन के लिए 9th से 12th तक के लिए भी कराते हैं, साथ ही साथ 11th 12th को जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन के लिए भी लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि चैनल नंबर जो 32 चैनल अभी आपको मैंने बताया 32 चैनल का एक ग्रुप है, वो 32 चैनल में कौन से चैनल किस चीज को प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर यदि बात करें चैनल नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 सीरियल नंबर चैनल जो है यूजी पीजी के लिए कोर्स प्रोवाइड कराते हैं या यूजी पीजी के लिए लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जो नॉन टेक्नोलॉजी होगा, कहने का मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह को नहीं शामिल किया, नॉन टेक्नोलॉजी में कौन आते हैं, जैसे हो गया कॉमर्स, जैसे हो गया साइंस, जैसे हो गया आपका आर्ट्स, या फिर ये सारे सब्जेक्ट को नॉन टेक्नोलॉजी कोर्स कहते हैं, तो यूजी पीजी का नॉन टेक्नोलॉजी वाले कोर्स के लिए 1 to 10 सीरियल नंबर चैनल चलाया जाता है, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं समय समय पे। बात यदि करें चैनल नंबर 11 से 18 तक, 11 से लेकर 18 तक इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे थिंग्स या फिर कहें इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सिलेबस को कवर कराते हैं। बात करें यदि 19 से 22 तो IIT पाल मतलब IIT वालों के लिए यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं अगर यदि बात करें चैनल नंबर 23 का तो लाइब्रेरी साइंस और ह्यूमैनिटीज को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है लेक्चर। बात करें यदि चैनल नंबर 24 तो एग्रीकल्चर के लिए है, चैनल नंबर 25 जो है वो कल्चर के लिए है, इंडियन कल्चर वगैरह सारे कल्चर जितने भी हमारे देश में उपलब्ध है उस कल्चर के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है और उसके बारे में लेक्चर दिया जाता है। यदि बात करें चैनल नंबर 26 का तो इग्नू द्वारा ये चलाया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो देखिए इग्नू 26 नंबर जो चैनल है उसमें इग्नू अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, चूंकि देखिए इग्नू क्या है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको वो कवर कराते हैं जो स्टेट लेवल पे, जैसे स्टेट लेवल पे कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, वैसे ही हर स्टेट में अपना अपना एक स्टेट
एक क्या एक से ज्यादा भी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है जिसके लिए वहां का जो सिलेबस है उसको कवर कराते हैं। उसका सिलेबस को कौन इग्नू, कौन सा चैनल पे उसका प्रोग्राम आता है, तो 26 नंबर चैनल पे आता है। बात अगर यदि आगे करें 27 नंबर जो चैनल है NIOS चलाते हैं। देखिए वहां पे NIOS था, यहां पे भी NIOS आ गया है। NIOS चैनल चलाते हैं वो किसके लिए देते हैं, तो 12th क्लास। NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये क्या करता है 12th क्लास के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। अगर इसके आगे अगर यदि मैं बात करूं आपसे, तो 29 नंबर जो चैनल है वो कौन, तो लाइव क्लासेस फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है 29 नंबर चैनल। बात करेंगे यदि चैनल नंबर 30, तो मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल रखा गया। यहाँ पे दिन भर मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिस्कशन चलते रहता है, और साथ ही साथ कहीं यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिक्स के जो भी पार्ट हैं उसके ऊपर यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। बात यदि 31 नंबर चैनल करें, तो NCERT यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। NCERT द्वारा चैनल चलाया जाता है जो जहाँ पे स्कूलिंग एंड टीचर एजुकेशन, मतलब BTC जिसको कहते हैं, BEd जिसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट। बात करेंगे यदि चैनल नंबर 32 अंतिम चैनल किसके लिए कौन चलाते हैं, तो इग्नू और NIOS दोनों मिलकर चलाते हैं। किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, शिक्षक को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे चैनल चलाए जाते हैं। दोस्तों ये था पूरा स्वयं प्रभा के बारे में। कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही साथ अगर यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके।